हाय गाइस, आई एम बॉनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ ऑयल पेस्टल से ड्राइंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ऑयल पेस्टल्स का डब्बा है, चलिए देखते हैं इसमें कितने सारे कलर्स हैं। वाओ, इसमें तो बहुत सारे कलर्स हैं। कलर्स की हालत तो कुछ ठीक नहीं लगती है। पता है, पर ये कलर्स मेरी नहीं है, मेरी सिस्टर की है। एनीवेज, मैंने कलर्स को अच्छे से टेस्ट कर लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर ड्रॉइंग। मैं क्विकली एक बेसिक स्केच प्रिपेयर कर लूंगी और स्केच बहुत ही इजी एंड सिंपल होगा। मैं थोड़ी सी एक्साइटेड और नर्वस भी हूँ क्योंकि मैंने ऑयल पेस्टल्स बहुत सालों बाद फिर से ट्राई करने के बारे में सोचा है और मुझे कोई भी आइडिया नहीं है इसका आउटकम कैसा होगा। तो चलिए देखते हैं। बेसिक स्केच खत्म करने के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर कलरिंग। मैं बर्ड को अच्छे से कलर कर लूंगी। मैं यहाँ पर डार्क वायलेट कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बेसिक कलरिंग खत्म करने के बाद मैं अभी बर्ड में शेडिंग्स एंड डिटेलिंग्स ऐड कर रही हूँ। पेंटिंग के लिए आप लोग कौन सा मीडियम ज्यादा पसंद करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। शेडिंग एंड डिटेलिंग्स के बाद बर्ड की आईज और बीक को अच्छे से कलर करने के बाद आउटलाइनिंग कर दूंगी। तक की प्रोसेस कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी ट्री की ब्रांचेस को कलर करने का टाइम है और उसी के साथ शेडिंग भी कर दूंगी। नाउ बाकी के एलिमेंट्स को धीरे धीरे कलर कर लूंगी। देन बैकग्राउंड को अच्छे से कलर करूंगी और साथ में कुछ शेडिंग्स भी ऐड करूंगी ताकि हमारा जो मेन एलिमेंट, हमारा जो बर्ड है वो और अच्छे से एनहांस हो पाए। कलरिंग के बाद पूरी की पूरी पेंटिंग को अच्छे से आउटलाइनिंग करने के बाद बर्ड की आईज को अच्छे से स्मोकी आईज कर दूंगी। क्या तुमने यहाँ पर ब्यूटी पार्लर खोल रखा है? अरे बाबा, मजाक कर रही थी। कुछ भी बोलती रहती है। एनीवेज, आउटलाइनिंग के बाद और पेंटिंग इज डन। मेरी तो बचपन की यादें भी ताजा हो गई पेंटिंग करते करते। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।